देश से बाहर निकल के कहीं फॉरेन लैंड जाते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। क्या आप नई कंट्री में आराम से एडजस्ट हो पाएंगे? लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा तो नहीं होगा? वहाँ का खाना कैसा होगा? रहना ठीक ठाक होगा? लोग वहाँ के वेलकमिंग होंगे? और न जाने ऐसे कितने सवाल। मगर सच ये है कि हर कंट्री के लोग ऐसा ही सोचते हैं और हर कंट्री के लोग आपकी तरह उतने ही वेलकमिंग भी होते हैं। तो जब मुझे इनवाइट किया टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने टू एक्सपीरियंस द कम्युनिटी लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ थाईलैंड, जहां हमें पहुंचाने वाले थे गो एयर अपनी मोस्ट कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल फ्लाइट सर्विस के जरिए, और वहां हमारा लग्जूरियस स्टे एक्सपीरियंस होने वाला था एक और होटल्स के साथ, तो मैंने बस अपने बैग्स फटाफट पैक किए और निकल ली इस अमेजिंग थाईलैंड के फुकेट एक्सपीरियंस पे। अमेजिंग थाईलैंड के सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे फुकेट के वो सारे हॉटस्पॉट्स जहां टूरिस्ट जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट फ्रॉम द बीचेस टू व्यू पॉइंट्स, एंगेजिंग कल्चरल पार्क्स, ब्यूटिफुल मॉनेस्ट्रीज, थाई क्विजीन से लेके वहाँ की लोकल वीकेंड मार्केट्स तक। मगर उसके अलावा हम टैप करेंगे टू एक्सट्रीम और वेरी इंटरेस्टिंग साइड्स ऑफ फुकेट एज वेल। एक साइड विच विल कंसिस्ट ऑफ लग्जरी, जहां मैं आपको लेके चलूंगी अपने प्राइवेट लग्जरी विला में, तो दूसरी तरफ जहां मैं एक्सपीरियंस कराऊंगी लाइफ ऑफ द सी जिप्सीज एंड कैसे थाईलैंड की बैकबोन यानी कि थाईलैंड के लोग फुकेट को एक पैराडाइज बनाते हैं अपने काम से, अपने कल्चर से और अपनी स्माइल से। स्वादिखा, चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग थाईलैंड के इस पैराडाइज फुकेट सफर को, क्योंकि आई जस्ट कैन नॉट वेट टू शो यू हाउ ब्यूटीफुल थाईलैंड इज। फुकेट पहुंचने के लिए आप या तो डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, या फिर अगर आपका प्लान बैंकॉक में भी घूमने का है तो बैंकॉक होते हुए भी आप फुकेट पहुंच सकते हैं। गोवा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से नॉन स्टॉप और वन स्टॉप फ्लाइट्स ऑलमोस्ट डेली फ्रिक्वेंसी में सर्विस करते हैं, तो आप कभी भी अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। मैं पर्सनली दिल्ली से रात की फ्लाइट से ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ, ताकि अराइवल मेरा थाईलैंड में अर्ली मॉर्निंग हो, एज थाईलैंड IST से अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा आगे है। मतलब अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे फुकेट में सुबह 8 बजे लैंड करेंगे, तो वहाँ थाईलैंड के टाइम के हिसाब से आप 6:30 बजे वहाँ लैंड करेंगे। तो हम बैग्स पैक करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे और बहुत ही स्विफ्टली विद अ स्माइल गो एयर के ग्राउंड स्टाफ ने हमारा चेक इन प्रोसेस करा दिया। आवर फ्लाइट वॉज ऑन टाइम एंड 4.5 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। वट आई लाइक अबाउट फ्लाइंग विद गो एयर आर 2 थिंग्स। पहला ये कि गो एयर की सीट्स कंफर्टेबल हैं विद डीसेंट लेग स्पेस, स्पेशली मेरे जैसे लंबे लोगों के लिए। और दूसरा ये कि गो एयर इज़ वन ऑफ दोज एयरलाइंस जो गर्म और टेस्टी खाना ऑन बोर्ड बाइंग सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही गो एयर का पूरा स्टाफ एक्सेल्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड दे मेक श्योर कि हमारा फ्लाई स्मार्ट एक्सपीरियंस परफेक्ट हो। सो अ बिग थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ गो एयर हमारे फुकेट के ट्रिप के फ्लाइट एक्सपीरियंस को सुपर कम्फी और इन्जॉयबल बनाने के लिए। हम लोग सुबह 7:05 फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे और अपना कैबिन लगेज लेके जैसे ही इमिग्रेशन की तरफ बढ़ने लगे, हमारी मुलाकात हुई मिस पू से, जो ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड हमारा वेट कर रही थी। उन्होंने विद इन 5 मिनट्स सारी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा दी एंड वी वर आउट विद आवर लगेजेस इन नो टाइम। फुकेट में एक और होटल्स के स्विस होटल 2 प्राइमरी लोकेशंस पे सिचुएटेड है। एक है स्विस होटल स्वीट्स फुकेट कमला बीच और दूसरा जहां हम रहे थे वो था स्विस होटल रिजॉर्ट फुकेट पातोंग बीच। यहां तक पहुंचने का सफर हमने अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में तय किया और जैसे ही हम स्विस होटल पहुंचे तो हमें थाईलैंड के ट्रेडिशनल कोकोनट वाटर के साथ वेलकम किया गया। थाईलैंड के फ्रूट्स इंडियन फ्रूट्स से कुछ अलग ही हैं। यहाँ के ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स एक्स्ट्रा लार्ज साइज में होते हैं और ये इतने मीठे होते हैं कि आपको लगेगा शायद इनमें किसी ने शुगर मिला दी हो। तो स्विस होटल रिजॉर्ट फुकेट पातोंग बीच में हम सब ने चेक इन किया और अपने रूम्स में जाकर सेटल हो गए। दिस होटल कंसिस्ट ऑफ 383 स्पेशियस रूम्स जो 3 अलग रूम कैटेगरीज में आते हैं। मेरा रूम स्विस सिग्नेचर रूम था। अगर आपको और स्पेशियस रूम्स चाहिए देन दे ऑफर स्विस एडवांटेज रूम एंड फॉर अ पूल व्यू स्विस होटल ऑफर्स देयर प्रीमियर रूम जिसकी बालकनी में बैठ के मैं लिटरली पूरा दिन स्पेंड कर सकती हूँ। तो ये हुआ रूम टूर। स्विस होटल रिजॉर्ट फुकेट पातोंग बीच में इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करने के लिए।
वो भी बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अरे, क्योंकि अभी हमें निकलना है बाहर फूकेट घूमने के लिए, तो इंतज़ार किस बात का है। चलिए चलते हैं फूकेट के हमारे पहले स्टॉप की तरफ। अब फूकेट इतना सुंदर है कि उसको आप सिर्फ ग्राउंड लेवल से चेरिश नहीं कर सकते। द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू फूकेट इज़ बाय विजिटिंग वन ऑफ देयर हाईएस्ट सिटी व्यू पॉइंट्स, खाओ रंग व्यू पॉइंट, जिसे रंग हिल व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको देता है ईस्ट टू साउथ व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ से आप फेमस फीफी आइलैंड से लेकर प्रॉम्थम केप, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ फूकेट है, ये सब जगह आपको यहाँ से दिख जाएंगी। ये बाकी व्यू पॉइंट से काफ़ी शांत स्पॉट है और यहाँ लोग ज़्यादातर आते हैं टू हैव अ मील एट वन ऑफ देयर रेस्टोरेंट्स। Hi everyone, guess where I am? I am standing at a hilltop from where we can see the whole Phuket city, and I am totally smitten by the beauty of Phuket. It is so beautiful. Oh, by the way, day one in Phuket officially has started. अगर हम फूकेट की बात करें तो फूकेट प्रोविंस आता है थाईलैंड के सदर्न पार्ट में। फूकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, जिसके आसपास लगभग 32 छोटे आइलैंड्स भी मौजूद हैं। यहाँ की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 416,582 है, जिनमें मले मुस्लिम्स और चाइनीज रेजिडेंट्स भी काफ़ी हैं। तो यहाँ हमने कुछ देर टाइम स्पेंड किया और फिर आगे बढ़े टू विजिट दी ओल्ड फूकेट टाउन। एज फॉर मी, ओल्ड फूकेट टाउन अपने में ही एक दुनिया है। एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट है, एक इमोशन है और एक अलग एक्सपीरियंस है। जहाँ इसका नाम ये बताता है कि ये एरिया फूकेट का काफ़ी पुराना और हिस्टोरिक पार्ट रहा है, वहीं यहाँ के मॉडर्न कैफेज एंड फूड कल्चर बताते हैं कि ये जगह कितनी मॉडर्न है। ये जो आप गलियाँ देख रहे हैं ना, इन्हें रो हाउसेस कहा जाता है। आपको कम से कम एक घंटा चाहिए टू एक्सप्लोर ओल्ड फूकेट टाउन बाय फुट। जी हाँ, इस जगह को पैदल चल के ही एक्सप्लोर करना सबसे बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस इट माना जाता है। ये जगह 100 साल पहले हाउसिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती थी, जब टिन माइनिंग फूकेट में पीक पे थी। So, Row House is the name of this street, and Row House means rows of houses. And this place has like a lot of nationalities living here: Indians, Nepalis, Thai, Chinese. और अगर आपको पर्टिकुलर सीनो पोर्चुगीज स्टाइल हाउसेस देखने हैं तो ये देखिए, इसका वॉल आर्ट चाइनीज स्टाइल किया गया है और बिल्डिंग का आर्किटेक्चर पोर्चुगीज स्टाइल है। सो जब आप थाईलैंड आते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे 7-Elevens देखे होंगे, बट फूकेट का जो सबसे पहला मार्केट था, दैट इज राइट बिहाइंड मी, इट्स कॉल्ड सिन एंड ली। दिस वाज द फर्स्ट सुपरमार्केट ऑफ। जो लोग यहाँ के कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो फूकेट ओल्ड टाउन में आपको कई म्यूजियम्स भी देखने को मिल जाएंगे। कलेक्टर्स एडिशन म्यूजियम्स, जो लोगों ने अपने घरों में ही इस्टेब्लिश कर रखे हैं, एक बेहतरीन तरीका है कल्चर को उसके ट्रेडिशनल फॉर्म में प्रेजेंट करने का। हमने ऐसा ही एक म्यूजियम विजिट किया जो थाई कल्चर को उसके आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेडिशनल हाउसिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रेजेंट करता है। यहाँ के ओनर बहुत ही वेलकमिंग थे और उन्होंने जिस एंथुजियाज्म के साथ हमें सारी जानकारी दी, उससे ये एविडेंट था कि वो कितने पैशनेट हैं अपने म्यूजियम एंड क्यूरेट्स को लेके। फूकेट ओल्ड टाउन के रो हाउसेज में आपको कॉफी एंड आइसक्रीम पार्लर्स भी बहुत नजर आ जाएंगे। आई एम ट्राइंग आउट आयरिश कॉफी विद ब्राउनी एट Tari's Ice Cream Boutique in Row House, Old Town, Phuket. So if you are a lover of coffee like me, you are going to fall in love with Row House, because yahan pe itni sari bakeries and cafeterias hai, and the best part is a lot of these cafes, bakeries, cafeterias, I have got mad actually. They are very old. Or they are established in very old buildings. Regal way of showcasing a cafeteria, and a lot of foreigners are actually here trying out coffee. And मुझे पता भी चला है, Pop told us that you get really good coffee around Row House. So if you are in Phuket and you want to do like a tour of good coffee or good bakes in and around
Phuket, then you should visit her house. और एक बात, जब आप Phuket में हैं तो यहाँ पर थोड़ा दिल्ली वाला हिसाब किताब है. यहाँ पर pedestrians को खुद देख के चलना पड़ता है, गाड़ियाँ follow नहीं करती हैं. In the sense, you have to be very careful when you're crossing the road or on the side because cars are really fast. So you need to be cautious. And now I'm heading towards Phuket Thai Hua Museum. Locally established museums के अलावा यहाँ Khoson Song Kro Foundation द्वारा managed Thai Hua Museum भी है, जो 1934 British colonial style mansion में situated है. So this museum actually talks about the Chinese and their introduction to Thailand and how things rolled and how Chinese community established their presence in Thailand, in Phuket to be more precise. And it's a really descriptive museum. You can come here, take a walk, get to know everything about the Chinese community in Phuket, and it's a very descriptive museum, so you will not find difficulty in understanding or going through the entire museum. अब बारी थी फुकेट में फर्स्ट मील ट्राई करने की. डू यू सी अ जायंट लॉबस्टर राइट बिहाइंड मी? नाउ यू कैन सी इट. सो दिस इज एक्चुअली द आइकन और व्हाट डू यू से द लैंडमार्क और द आइडेंटिटी और वन ऑफ फुकेट्स मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट कॉल्ड टू कप खाओ. टू कप खाओ बेसिकली इन थाई मीन्स पैंट्री, बट आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड गॉट टू नो दैट the pantry that we're talking about is a special kind of pantry which a lot of Thai houses used to have, maybe they still have it. So let's go inside and see what I'm going to try. Tu Kap Khao famous hai apne southern Thai food ke liye, aur jab bhi koi tourist Phuket visit karte hain to ye restaurant unke must visit list pe zarur hota hai. Tourists hi nahi, locals bhi is restaurant ko highly recommend karte hain. हालांकि ये बिल्डिंग पुरानी है, मगर इसकी इंटीरियर्स वेल प्रिजर्व्ड है. फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स और एक मॉडर्न बार के साथ इस रेस्टोरेंट में डाइनिंग करना काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होने वाला था. इनके मेन्यू में आपको वेजिटेरियन फूड से लेके ऑथेंटिक सदर्न सी फूड और पोर्क स्पेशलिटीज मिल जाएंगी. जी हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए काफ़ी वेराइटी मिल जाएगी. और जनरली भी फुकेट में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जो इंडियन खाना या फिर वेजिटेरियन मेन्यू भी रखते हैं. मेन्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हम कंफ्यूज थे कि क्या ऑर्डर करें और क्या ना ऑर्डर करें. प्रॉन केक्स यहाँ काफ़ी फेमस हैं, तो स्टार्टर्स में ये तो ऑर्डर करना बनता ही था. जनरली ये केक्स एक स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व होते हैं, बट लोकल्स ऐसी डिशेज को नाम प्लाप्रिक सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं. ये डिपिंग सॉस बनती है रेड एंड ग्रीन चिलीज, फिश सॉस, गार्लिक, लाइम जूस और शुगर से. जैसे हमारे यहाँ मिंट चटनी या धनिया चटनी हर स्टार्टर डिश के साथ खाई जाती है, वैसे ही आपको थाईलैंड के घरों में नाम प्लाप्रिक सॉस ज़रूर मिलेगी. तो आप किसी भी रेस्टोरेंट जाकर वहाँ ये डिप ऑर्डर कर सकते हैं. मिस्टर पॉप को लगा था मैं इतना स्पाइसी नहीं खा पाऊँगी, मगर ही वॉज सरप्राइज टू नो दैट आई कुड. पॉप ने हमें वाइट स्नैपर भी ट्राई करने का रेकमेंडेशन दिया, तो ये तो अब मंगाना ही था. ये बेसिकली वाइट स्नैपर फिश डीप फ्राइड होती है, जिसके साथ पपरिका वेजेस और सॉम ता मामयोंग, जो कि ग्रीन मैंगो सैलड होता है, उसके साथ सर्व करी गई थी. सॉम ता मामयोंग सैलड बनता है कच्चे ग्रीन मैंगोज, काफी लाइम, रोस्टेड पीनट्स, फिश सॉस और चिली से, जो इस फ्राइड फिश के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है. अगर आप थाईलैंड आए हैं तो ये तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ की फेमस ग्रीन थाई करी भी ज़रूर ट्राई करेंगे. तो फुकेट के फर्स्ट मील के लिए हमें भी ग्रीन थाई करी ट्राई करनी ही थी. जैसा हम इंडिया में खाते हैं 90% ये वैसी ही होती है, मगर हाँ, क्योंकि इसमें लोकल स्पाइसेस, सॉसेस और वेजिटेबल्स डले होते हैं, ये हल्की सी डिस्टिंक्ट होती है. ये बढ़िया सा लंच करके हमने वहाँ के स्टाफ को खापुन खा कहा और आगे बढ़े. जब आप थाईलैंड आए तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए. सबसे पहले तो सवादी, जिसका मतलब हेलो होता है. थाई भाषा में अगर आप फीमेल हैं तो आप सबको सवादी खा करके हेलो बोलेंगे, और अगर आप मेल हैं तो आप स्वादी क्रप और स्वादी खप कह के हेलो करेंगे. इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो आप थैंक यू के लिए कहेंगे खप कुम खा.
और अगर आप मेल हैं तो आप कहेंगे खोप खुन खराब, और ये सब कहते हुए आप वाई यानी कि हाथ जोड़ के जेस्चर देना ना भूलें। ये जो हमारा लास्ट स्टॉप था ना डे वन का, वहाँ लोग दोपहर से ही बेस्ट व्यू के लिए जाकर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ जल्दी पहुँचेंगे तो आप अपने लिए परफेक्ट सनसेट स्पॉट ढूंढ सकते हैं। इस जगह का नाम है प्रोमथेप केप, जो कि सदर्न मोस्ट टिप है फुकेट सिटी का। हम क्योंकि खाने में बिजी हो गए थे तो हम जाहिर सी बात है कि वहाँ लेट पहुँचे, मगर भीड़ होने के बाद भी ये व्यू पॉइंट इतना स्टनिंग था कि हम फिर भी बहुत खुश थे ये नज़ारे देख के। सो दिस इज द लास्ट प्लेस वेयर वी आर चेकिंग आउट एन अमेजिंग सनसेट ऑन डे वन ऑफ आर ट्रिप, एंड दिस इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ फुकेट, एंड दिस इज नोन एज अ सनसेट पॉइंट। As you can see, the sun is just about to set. It's really dark, but it is beautiful. We have a 180 degree view of the ocean, and then we have really cute islands in between, and then we have a white beach as well. Everything is mesmerizing, and I think the best way to enjoy this place is to come here, sit, and just relax and feel the vibes of this beautiful, natural landscape. प्रोमथेप केप जाना जाता है अपने सनसेट के लिए, और यहाँ कई लोग आते हैं आइकॉनिक केप के आगे खड़े होकर फोटोज खिंचवाने के लिए। हमने भी ट्राई किया मगर भीड़ बहुत थी तो फेल हो गए। इसी बीच हमारे गाइड मिस्टर पॉप ने सजेस्ट किया कि हम प्रोमथेप केप के आगे एक विंडमिल व्यू पॉइंट है जहाँ भी जा सकते हैं फॉर क्वाइट सनसेट व्यू एक्सपीरियंस। क्योंकि विंडमिल व्यू पॉइंट उतना पॉपुलर नहीं है तो यहाँ भीड़ बहुत ही कम थी और हमें बढ़िया सा सनसेट देखने को भी मिल गया था। ये सामने जो सी देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली अंडमान सी है, यानी इसमें अगर आप स्विम करते करते आगे बढ़ेंगे तो दूर आप इंडिया के अंडमान आइलैंड्स पहुँच जाएंगे। सनसेट के बाद हम वापस स्विस होटल रिजॉर्ट पातोंग बीच आ गए, जहाँ हमारे लिए वेट कर रहा था उनके फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म देसी खाना। जी हाँ, इस होटल में आपको सिर्फ मेन्यू में इंडियन खाना नहीं बल्कि इनके ब्रेकफास्ट बुफे में भी रोज़ इंडियन खाना मिल जाएगा। तो हमें सर्व किया गया था ये थाई इंडियन स्टार्टर प्लाटर, जिसमें था क्रंची समोसा, क्रैकलिंग स्प्रिंग रोल्स और जूसी चिकन साते। मेन कोर्स में बटर चिकन, दाल मखनी, स्टर फ्राइड वेजीज और थाई ग्रीन करी भी सर्व की गई थी। ये सब खाकर वी वर कंटेंट एंड रेडी टू कॉल इट अ नाइट, मगर एंड में आने वाला था स्टार ऑफ द एंटायर मील, स्टिकी राइस विद मैंगो एंड कोकोनट क्रीम। थाईलैंड आकर आपको ये तो जरूर ही ट्राई करना है। स्विस होटल में ट्राई करिए, बाहर लोकल रेस्टोरेंट्स में ट्राई करिए, या वीकेंड फूड मार्केट्स में ट्राई करिए, यू विल लव इट। तो ये था मेरा पैराडाइज फुकेट ऑफ अमेजिंग थाईलैंड का डे वन सफर। इतना मेमोरेबल रहा था पहला दिन, तो सोचिए आगे आने वाले दिन कितने एक्साइटिंग होने वाले थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड सायान निरामित शो, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, फुकेट के सबसे लग्जूरियस स्पा रिजॉर्ट, जहां मैं एक्सपीरियंस करने वाली थी स्पा सेशन अपने प्राइवेट विला में, विजिटिंग द लोकल वीकेंड मार्केट टू विजिटिंग द मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट ऑफ फुकेट, ये सब कवर करने वाली हूँ मैं अपने पैराडाइज फुकेट के नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम श्री लॉजी साइनिंग आउट।